ये वो सीन है जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुम देख पा रहे हो बिल्कुल। ये यहाँ से वो स्कूटी आई थी। अंकल मेरा पहिया पूरा बैंड हो गया, मैं कहाँ से भरूंगा ये बात तो बताओ। यहाँ से बाहर जाना है वैसे हैं, मेरा पूरा पहिया बैंड हो गया, मैं कहाँ से पैसे भरूंगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे मेरे टू फैमिली, उप करता हूँ सब बड़े होंगे। तो गाइस यार काफी दिनों से ना ब्लॉग नहीं आ रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट भी होगा तो आपने वीडियो देखी। तो अभी चलते हैं अपनी साइकिल पे और फिर मिलते हैं अपनी राइड पे, फिर देखाता हूँ मैं आपको कैसे वो एक्सीडेंट हुआ था, क्या उसमें सीन हुआ था। तो अभी चलते हैं भाई। तो गाइस यार सीन मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि मतलब मैं घर से जा रहा था फुल स्पीड, मतलब थोड़ी मेरी साइकिल तेज थी और सामने से भाई रॉन्ग वे से आ रहा था, और रॉन्ग वे से ना भाई उसने ना फुल तेज स्पीड में था वो बंदा, स्पीड में होने के बावजूद उसने ब्रेक नहीं लिया और भाई फिर ना उसने मेरी साइकिल में जैसे ठोकी ना भाई, मेरे साइकिल का पूरा पहिया, ये पहिया ना भाई पूरा बैंड हो चुका था। मेरी हालत ना बहुत ज्यादा खराब हो गई थी भाई, मैं डर गया था, मेरे पैर में थोड़ी चोट आ गई थी। बाकी गाइस यार उसके बाद ना फिर मैंने ना इधर से अपनी साइकिल देखी तो भाई साइकिल की हालत ज्यादा बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, पहिया पूरा बैंड हो चुका था। फिर उसके बाद भाई उसने बहुत देर तक मेरे साथ लड़ाई करी, झगड़ा करा, और उसके बाद उसने पैसे नहीं डाले। तुम्हारा भाई ना बहुत ज्यादा डर गया था, बिकॉज मैंने भाई मेरे साथ ना पहली बार एक्सीडेंट हुआ था, पहली बार मुझे किसी ने ठोका बाइक वाले ने, नहीं तो आज से पहले मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ। बाकी गाइस यार तुम्हारा भाई ना अपने पुराने वाली साइकिल को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि भाई उस साइकिल से ना बहुत कम एक्सीडेंट होने के चांस रहते थे, उसमें डिस ब्रेक तक ले और पिछले ब्रेक भी पावर ब्रेक थे, तो उसने उसकी वजह से ना भाई इसके एक्सीडेंट होने के चांस ही नहीं थे बिल्कुल भी। मतलब अचानक से अगर मेरे साथ कोई आगे सामने से आ जाता तो मैं ना उसे स्टॉप ही करके ना भाई रोक देता, वहीं पर जाम कर देता था। और गाइस यार इस वाली साइकिल में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी गाइस यार तुम्हारा भाई ना साइकिल को इतना मिस कर रहा ना कि तुम्हारा भाई ना साइकिल को लेकर आने वाला है एक दो दिन में। तो फिलहाल भाई अभी ना अपने एक दो दिन में ना अपनी साइकिल को लेकर आते हैं, वो व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी गाइस यार इस वाली साइकिल में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब स्पीड भी इसकी कुछ अच्छा खास नहीं है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं भाई फुल पावर। तुम्हारे भाई को ना ये सब काम भाई मजबूरी में करने पड़ रहे हैं, मेरे तुम्हारे भाई ने साइकिल ना भाई लगभग बचपन से ही नहीं चलाई और ये आज मुझे चलानी पड़ रही। फिलहाल तो गाइस यार इतना है कि बस अपने पुराने वाली साइकिल लेकर आएंगे, उसमें मॉडिफिकेशन कराएंगे, मॉडिफिकेशन कराने के बाद ना उसमें गियर लगवाएंगे। तो गाइस यार अभी ना यहाँ पे मतलब फाटक लगा हुआ और तो हम यहाँ ना साइड से निकालते हैं रेल की पटरी पटरी। भाई इस वाली साइकिल में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, देखो तुम किधर कैसे कैसे तुम्हारा भाई लेकर जा रहा है, यहाँ से निकाल लेते हैं अभी भाई। इधर ना मतलब फाटक लगा हुआ है, फाटक से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पहले इधर से लेकर जाओ फिर उधर से लेकर जाओ, तो भी ना यहाँ से निकाल लेते हैं पटरी पटरी साइकिल की। और गाइस यार तुम्हारे भाई का ना पैर में ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ी चोट आई थी, ज़्यादा चोट नहीं आई भाई, वो ना बच गया था मेरा पैर, पहिया पूरा प्रेशर ना पहिया पे आ गया था। तो गाइस यार तुम्हारे भाई का ना जहाँ अपने मतलब एक्सीडेंट हुआ था ना, एक्सीडेंट के पास ये दुकान थी भाई, इस दुकान पे हम आए थे अपनी साइकिल सही कराने के लिए, और 5 मिनट में भाई इन्होंने साइकिल का पहिया पूरा सही कर दिया। और तुम्हारे भाई का सपना ना भाई बहुत बड़ा है, फिलहाल तो तुम्हारे भाई के पास साइकिल है पर एक दिन बाइक भी होगी। अभी तुम यहाँ से निकालते हैं, देखो भाई यहाँ से मतलब कहीं जगह नहीं दिख रही, इतना ट्रैफिक हो गया ना, रॉन्ग वे नहीं चल सकते भाई हम। देखो भाई यहाँ कितना मिस कर रहा अपनी साइकिल को, अगर मेरी साइकिल होती ना भाई यहाँ से ना मैं ऐसे ऐसे करके निकाल देता, ये देखते रहते साइड वाले। देखो भाई कहाँ पे निकाल ले, चलो। भाई इसमें ना प्रेशर भी नहीं है साइकिल में, मैं एकदम से ना मतलब जाने लगानी पड़ती है पैरों से, निकाल। तो भी तुम्हारा भाई इससे भी भाई भगाने का मन तो करता है पर ये भाग दे नहीं भाई, पैरों का ना बहुत ज़्यादा दर्द कर देती है। अभी यहाँ से लेते हैं राइट और राइट लेकर घर चलते हैं, भूख लग रही है भाई बहुत तेज। बिकॉज तुम्हारा भाई ना अभी ड्यूटी से ही आ रहा है, नाइट ड्यूटी करके आया तो तुम्हें पता है। तो बिकॉज तुम्हारा भाई आ चुका है और ये वो पहिया है जो पूरी तरीके से बैंड हो चुका है, यहाँ से तुम देख सकते हो भाई यहाँ से ना ये भी मुड़ गया भाई, मतलब साइकिल की तुम हालत देख पा रहे हो कितनी गंदी हो रही। अभी देखो यहाँ से ना मतलब साफ भी नहीं करी भाई, ये देखो कितना डस्ट आ रहा है यहाँ पर। और गाइस यार साइकिल को देखो जरा, मतलब इतना हैवी तो इसका केरियल हो गया, इतना ज़्यादा हैवी हो गया ना भाई, मतलब आधा वजन तो साइकिल में इसने ही बढ़ा रखा है। तो गाइस यार तुम अभी अपने भाई का हालत देख पा रहे हो, ड्यूटी के बाद तुम्हारे भाई की हालत कैसी हो रही है, तो अभी थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं। वर्कआउट से पहले मैं आपको थोड़ी सी ना अपनी चोट दिखा दूँ जो मेरी चोट लगी थी, ये रही वो चोट जो भाई मतलब मेरे साइकिल से लगी थी, तुम देख पा रहे हो, मतलब इसमें पेन बहुत हो रहा है, छोटी सी चोट लग रही है पर अंदर तक भाई बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि इसका पहिया यहीं पर लगा था और मतलब मेरी साइकिल का ना थोड़ा सा लोहे का पार्ट जो यहाँ पर लग गया था और इससे ना ब्लडिंग हो रही थी। बाकी यार कोई चक्कर नहीं, तुम्हारे भाई का ज़्यादा चोट नहीं लगी, और वैसे भी अगर छोटी मोटी चोट तो लगती रहती हैं। तो गाइस यार थोड़ा सा वर्कआउट तो हो चुका है, अभी अपने देखते हैं डाइट, डाइट में तुम्हें दिखा दूँ डाइट में भाई क्या क्या है। तो फाइनली गाइस ये रही हमारी डाइट, इसमें सोयाबीन है और चना है, कच्ची मूंगफली है। सो गाइस अभी शाम के बजे है 7 और अभी हम वहाँ पे उस वाली रोड पर आ रहे हैं जिस रोड पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम अभी भी देख सकते हो शाम का, और ये मतलब ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा। तो गाइस उस दिन भी मैं ऐसे ही ड्यूटी जा रहा था, और ड्यूटी जाते हुए ना मतलब मैं लेफ्ट लेकर ना पुल के नीचे से क्रॉस कर रहा था, क्रॉस करते हुए टाइम भाई यहीं पे मैं वो जगह है जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुम देख पा रहे हो बिल्कुल। ये यहाँ से वो स्कूटी आई थी और बंदे ने ठोक दी भाई, मुझे नहीं पता देख मेरा होगा खर्चा। अरे भाई क्या मेरा भाई अरे कोई बात, मुझे भाई मेरी साइकिल का नुकसान हो गया, पूरा साइकिल का नुकसान हो गया मेरा।
बता भाई, मेरे पैसे भरते मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो मैं देख कंप्लेन करूंगा, साफ सी बात है। हैं कर दो कंप्लेन, तो बता किस थाने में करूँ, क्या करनी वहाँ करना है। तो भाई मुझे ना तो बता, तो मैं स्कूटी तो जाने नहीं दूंगा भाई ऐसे, तो इसका नुकसान हो जाएगा फिर और कुछ नहीं। देख मेरी साइकिल होगी 3,000 रुपए की, मेरी साइकिल होगी 3,000 रुपए की। देख मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सब लौट करूंगा। मैंने वीडियो वहाँ दे देना भाई, कल को न्यूज में आगे ध्यान देखिए इस बात का, ठीक है। तो मेरा देख पहिया का बैंड हो गया, पहिया बैंड हो गया मेरा। अब मैं तेरी अगर देख मेरी साइकिल को तो पूरी का भी नाश मार देगा, पूरी का भी नाश मार देगा, मेरा कुछ नहीं होगा। 3,000 रुपए का नुकसान, मैंने 1,000 रुपए में साइकिल रखी, मैंने भी डलवा लूंगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी एक साइकिल है अंकल, मेरा पहिया पूरा बैंड हो गया, मैं कहाँ से भरूंगा, ये बात तो बताओ। बाहर जाना है, मेरा पूरा पहिया बैंड हो गया, मैं कहाँ से पैसे भरूंगा, मैं खुद मैं ऑलरेडी में लेट हो रहा, ऑलरेडी में लेट हो रहा मेरे भाई। कहाँ लग रही लीड, बता कहाँ लग रही लीड, पहले वीडियो में कहाँ लीड लग रही, कहाँ लग रही, ईयरबड्स बोलते हैं उसे, ईयरबड्स बोलते हैं उसे, ठीक है भाई। तेरी गाड़ी का नंबर मेरे पास, इससे भाई तूने मेरी गाड़ी पूरी ठोक रखी भाई, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना, पुलिस स्टेशन चल मेरे साथ, वो जो कहेंगे मैं उस चीज को मान लूंगा, जो वे कहेंगे, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। नहीं तो भाई देख मेरी साइकिल पूरा भैया बैंड होगा, मुझे घर जाना पड़ता है, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा ड्यूटी के लिए, पूरा भैया बैंड होगा, कहीं से भी सही नहीं होता। मेरे घर चल, तेरे घर क्या करूँ, डिस्कस कर ले, मेरे पास पैसे नहीं है मेरी जेब में, फोन पे कर दे, फोन पे कर दे, फोन नहीं चला रहा, फोन नहीं चला रहा, दिखाइए अपना फोन, खोलियो अपना फोन पे, अपना फोन पे खोलो, तो अपना फोन पे खोल लो, अगर देखो तुम्हें चलने लगा। हाँ वो तो बात सही है, पर कुछ तो दे, पहिया पूरा बैंड होगा, पहिया डलेगा 350 रुपए का, पहिया 350 रुपए डलेगा, नहीं ये तो नीचे हो जाएगा,